आनंद पार्टी और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। जी हाँ, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर आजाद जी ने आज रामचरितमानस में जो अभद्र टिप्पणी करी थी उसी को लेकर आज लखनऊ के राष्ट्रीय हिंदू महासमाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में एक पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसको हिंदू समाज पार्टी के जितने भी लोग हैं उस पर आक्रोशित कर रहे थे। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण कमलेश तिवारी जी ने आज पुतला जैसे ही राष्ट्रीय कार्यालय से बाहर लेकर निकली, लेकिन स्थानीय पुलिस ने उनको रोक लिया और रोकने के बाद उनको ज्वाइन करने नहीं दिया पढ़ने को। लेकिन उसी के साथ उनके कार्यकर्ताओं में जो देखने को मिल रहा था और वो कार्यालय से लेकर कुछ दूरी तक अपना नारे लगाते हुए और आक्रोश को प्रदर्शित करते हुए, अपने गुस्से को प्रदर्शित करते हुए यहाँ से निकले थे, जिसको स्थानीय पुलिस ने आगे जाके फिर रोक लिया। इसी के साथ आइए मैं आगे की पूरी रिपोर्ट देखता हूँ कि उन्होंने क्या कुछ कहा। मामला था जो आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है। देखो, हमारे अगर सनातन धर्म पे कोई भी टिप्पणी करेगा उसको हम लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे बिहार का मंत्री हो, और चाहे मानो हो, जो भी है, ऐसे लोगों को तो जूता मार के और अपने समाज से भगाना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति को पुतला फूंकना बहुत ज़रूरी है और इनका विरोध है पूरी तरीके से हम लोगों का, कि हमारे सनातन धर्म पे ये टिप्पणी करके TRP जो पाना चाहते हैं तो ये TRP बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। और ऐसे लोगों को, जो भी समाज के लोग हैं, उनको जूता मार के ऐसे लोगों को भगाना चाहिए। और इनको ये पता होना चाहिए कि मेरा बाप कौन है। इनको सबको यही नहीं पता मेरा बाप कौन है, हो सकता है सेकुलर हो कोई, इसलिए ऐसे टिप्पणी करते हैं। रामचरितमानस पे हमारे, रामचरितमानस हमारे सनातन धर्म का ग्रंथ है, ये कौन सा जो है आतंक भड़का जो है करती है और दंगा भड़काती है उस पर टिप्पणी करते हैं। तो ये TRP सिर्फ पाना चाहते हैं। इनको ये समझना चाहिए कि अपने बाप का पहले खोजबीन कर लें कि मेरा बाप कौन है। मुझे तो शंका हो रही है कि इन लोगों के बाप भी, इनको नहीं मालूम है कि मेरा कौन है। तो जिसने भी वादी टिप्पणी की उसके खिलाफ आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही करना चाहेंगे कि अभी तो हम FIR करवाएंगे, तो सरकार इसमें जो है रासुका लगाए और तत्काल इनके ऊपर कार्रवाई करें। ऐसे लोगों का मुंह बंद करवाना बहुत जरूरी है। तो आप लोग पुतला दहन करके अपना आक्रोश ठंडा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने पुतला, देखिए वो उनका काम है, पुतला दहन नहीं करने दिया, जानते थे ज्यादा ही कुछ विरोध हो जाएगा। लेकिन मेरा जो क्रोध था वो हम पुतला दहन करके अपना विरोध हम जता रहे, नहीं करने दिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मेरा विरोध है। और आम जनता से यही कहना है कि जितने भी लोग इस तरीके से हमारे सनातन धर्म पे टिप्पणी करते हैं, इनको कभी भी हमारा सनातन धर्म हमेशा निगलेक्ट करे और इनका कभी भी मंत्री और नेता बनाने का प्रयास ना करे, क्योंकि ये कभी उद्धार नहीं कर सकते। ठीक, ये थी राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण कमलेश तिवारी जी, जिन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए और अगर कार्रवाई नहीं होती तो मैं नामजद FIR करवाऊंगी। इसी के साथ मैं आनंद मोहन त्रिपाठी, पब्लिक लाइव लखनऊ।